झूठ वाला है, झूठ वाला में झूठ क्या पाते हैं? गुलाब माता हाँ और श्याम सुंदर भाई इनके लड़के हैं, इनके लड़के हैं, हाँ भंवरलाल जी। तो बाहर से कोई नहीं आ रहा है, कोई आते ही नहीं अभी हैं? धूनी रमाई पड़े हैं, कोई आए ना आए, लेकिन धूनी तो रम रही है। मोहल्ले वालों की सर्विस नहीं हो रही, इसका मतलब संतोष माता कौन है? अच्छा अच्छा, संतोष माता आती है कभी कभी बाहर से, वो बहू है। अच्छा, और संगठन का क्लास भी नहीं होता कभी? थोड़ा सा आउट पड़ जाता है ना, थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो उधर टोटल चार तो है जोड़ वाड़ा में, और एक महावीर नगर, और एक छह है बाबा, वैसे एक गीता पाठशाला है, एक महावीर नगर, एक इमली के फाटक, और चार यहाँ पे चार पांच माताएं हैं, चार माताएं हैं, पांच माताएं, आशा माताएं हैं, सात गीता पाठशाला है, सात तीन तो उत्तर हो गए, चार इधर हो गई, चार तीन सात गीता पाठशाला है। संगठन के लाभ बाबा ऐसा है कि देर के वाला जी दीपू भाई और इनकी माता जी है सुमित्रा माता, इनके यहाँ पे हो जाता है, सबके सेंटर को पास पड़ता है, ये तीन तीन तो तीन जो संडे होते हैं ना महीने के पास, वो वहाँ कर लेते हैं इधर वाले, और महीने का जो बड़ा होता है उसमें फिर इमली के फाटक किया है, ऐसे किसी गीता पाठ कर डिसाइड कर ले, क्योंकि पूरा जयपुर बड़ा है, तो उधर वाले हर संडे इधर नहीं आ सकते, इधर वाले उधर नहीं जा सकते, इसलिए तीन संडे तो दो टुकड़ों में करते हैं, सबने जैसा पाठ किया वो ही अच्छा, सबकी माताओं को भी परेशानी थी, बसों में आने जाने हुए तो वो
हिंदुओं में भी 24 अवतार माने जाते हैं है? और जैनियों में भी 24 अवतार माने जाते हैं। अब भगवान को 24 बार जन्म लेने की दरकार है, है? आप ये बताइए, भगवान को 24 बार जन्म लेने की दरकार है? नहीं, न हिंदुओं की मान्यता सही है और न जैनियों की मान्यता सही है। वास्तव में जैन धर्म भी कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर होता तो बाबा ने झाड़ के चित्र में जैसे बौद्धियों को अलग से दिखाया, ऐसे जैन धर्म को अलग से क्यों नहीं दिखाया? दिखाया नहीं दिखाया। इससे साबित होता है कि जिन्होंने इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ किया वो जिन कहे गए, जिनेंद्र स्वामी, और उनको जिन्होंने फॉलो किया वो फॉलोअर्स कहे गए जैन। क्या? जैसे ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, जैसे विष्णु, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बड़ी ना, ऐसे ही जिनके फॉलोअर जैन। तो जिनेंद्र स्वामी के रूप से जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो एक ही हुआ है और उसको नंगन रूप में दिखाया जाता है। हिंदुओं ने उसको शंकर के नाम रूप दे दिया है और जैनियों ने उनको तीर्थंकर नाम रूप दे दिया। निराकारी तेज है इसलिए नंगा कैसे, आत्मा को नंगा कैसे दिखाएं? हैं? देह को भूल गए निराकारी? गुरु नानक हैं, क्राइस्ट हैं, महात्मा बुद्ध हैं, इनकी कैसी स्टेज दिखाएगी? निराकारी स्टेज दिखाएगी, माने देह का ध्यान है ही नहीं, देह से जैसे उपराम हो गए। तो एक ही भगवान का रूप है जो इंद्रियों को संपूर्ण से रूप से जीत लेता है, और जो उसने इंद्रियों को संपूर्ण रूप से जीत लिया उसको दिखाया जाता है संसार में जिनेंद्र स्वामी के रूप में। अब हिंदुओं ने जैसे 24 अवतार बनाए दिए, वैसे जैनियों ने भी 24 अवतार बनाए दिए। अब ऐसे नहीं है कि युगों युगों में भगवान का जन्म होता रहता है, नहीं, वो तो सिर्फ कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के टाइम पर, जबकि नई दुनिया बननी होती है तभी भगवान आकर के इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ देवी देवता आत्माओं को सिखाते हैं। तो वो सभी जैन हैं जिन्होंने जिनको फॉलो किया, इसलिए झाड़ के चित्र में जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया गया। इसलिए बाबा कहते हैं ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वहां तो जड़ मूर्ति रखी हुई है, वहां तपस्या में बैठे हुए जड़ मूर्तियों में दिखाए गए हैं, हैं? और यहाँ देखो तुम चैतन्य में बैठे हो, वहीं तुम चैतन्य में बैठे हुए हो जहाँ दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। तो बेसिक नॉलेज वालों के लिए ये बात लागू भी नहीं होती, क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर में वहां कोई दिलवाड़ा के एरिया में वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई बैठे हुए नहीं है तपस्या में। ये एडवांस वाले हैं जो दिलवाड़ा मंदिर सारा खरीद लिया बैठ गए और बैठ करके प्लान बना रहे हैं कि यहाँ बैठ कर हम तपस्या करेंगे, दुनिया का विनाश होता रहेगा, एटम बम फटते रहेंगे और हम मस्ती से यहाँ बाबा को याद करते रहेंगे। है? कब बैठेंगे? जब तुम ये महल माड़िया बनाना छोड़ोगे। अरे तो धड़ाधड़ बनाते चले जा रहे हैं, है? जब यहाँ बनाते चले जा रहे हो तो दिव्या यहाँ लगी हुई है, लगाओ यहाँ लगा हुआ है या वहाँ लगा हुआ है, है? वो तो कुछ कोई ऐसा अजूबा गरूबा ड्रामा में नुदा हुआ है कि ऐसा कुछ ड्रामा में होगा और जबरन छोड़ करके भागेंगे।
हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ऐसे कोई थोड़ा ही कोई छोड़ छोड़ के भागना चाहता था। स्थिति ऐसी बन गई छोड़ छोड़ के भागे। यज्ञ के आदि में भी कन्याओं माताओं को सात सात तालों के अंदर बंद करके रखा गया। कोई छोड़ रहा था? नहीं छोड़ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा अजूबा गरूबा हुआ, ऐसी मारकाट हुई, ऐसा अपना रंग लमेट समेट के जिनको बाबा के पास भागना था तो भाग गए, उनको मौका मिल गया। सात सात ताले लगाने वाले घर घाट छोड़ करके कहाँ के कहाँ मारे मारे चले गए, उनका आज तक पता नहीं। मुसलमान मार शरीर के कारण संकल्प अवस्था हो गई, अपने शरीर के कारण संकल्प चलता कि मेरी अवस्था हो गई, तो आगे मैं दौड़ पाऊंगी। माता यहाँ कराची वाली नहीं आ गई? हैं? हैं? वो देखो, वो कौन क्वीन क्वीन दादी कितनी बूढ़ी थी, तो कराची में चली गई कि नहीं चली गई? और कराची से इंडिया में भी आ गई, तो ये कोई बात थोड़ा ही है। ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिसको बचना होगा बच जाएगा, जिसको कटना मरना होगा मुसलमानों के हाथ से कट मर मरेगा। हिसाब किताब तो पूरा करना पड़ेगा। और आपको तो मना कर दिया आओ, तो बाबा ने कहा तुम वो शब्द हटा दो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तुम क्या लगाओ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। कहाँ लगा ले बैनर? गीता पाठशाला लिखो आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला। बैनर लगाने से क्या होगा? स्टूडेंट की संख्या बढ़ाओ सेवा करके तो फायदा होगा। क्या है कि कई लोग तो कई माताएं तो कहती हैं कि आपकी क्लास कहाँ चलती है हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो क्या जैसे कि बेसिक वालों की तो वही है मालूम पड़ जाता है, हाँ तो वो तो प्रदर्शनी करते हैं, वो तो हो हल्ला करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े मेले लगाते हैं, तुम ये करोगे है? तो फिर हम तो एक एक को बैठ कर समझाते हैं, जिसकी समझ में आ जाए वो आएगा। यह सब दिखावा करने की जरूरत? बाबा कहते पहले अपने मस्तक पर बैनर लगाया है कि हम ब्राह्मण हैं, मस्तक की रोशनी देख करके किसी को पता चल रहा है कि ये ब्राह्मण है? तो उसको तीन पैर पृथ्वी की जगह नहीं मिलेगी है? बाबा ने कब कहा कि तुम वहाँ जमीन खरीदो ही खरीदो? अरे जिनके पास फालतू पैसे पड़े हों वो वहाँ जमीन खरीदने जाके, जिनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता वो पैसा डालने का, गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, करेंसी फेल हो जाएगी, बैंकें फेल हो जाएंगी, कंपनियां फेल हो रही हैं, तो पैसा कहाँ डालें? सोना खरीद के डाल लें, चोर लूट ले जाएंगे, जमीन हिलेगी पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए इतना तो पक्का है कि 100 साल का संगम युग है, 2036 तक तो आपकी प्रॉपर्टी स्थिर रहेगी ना, तो ऐसी जगह डालो। फिर वो बात उनके लिए है जिनके पास अकूत पैसा पड़ा हुआ है, जिनके पास रोटी दाल खाने के लिए है, पहले अपने शरीर का पुरुषार्थ देखना है ना कि प्रॉपर्टी जमानी है? पहले क्या करना है? अपने खाने पीने का देखना है, दो रोटी पेट में होगी तो पुरुषार्थ भी होगा। हाँ
यमा बाबा के पास वो मुर्गियाँ 5 साल तक रिवाइज करने की, अब 5-5 साल बाद रिवाइज करने की कहा। ऐसे ही सड़सठ सड़सठ की मुर्गियाँ यहाँ रिवाइज हो रही हैं। यहाँ तो पुराना माल ढूंढा जाता है, हाँ 68 का पहले नहीं चलता था, एडवांस में 68 की मुर्गियाँ मिली नहीं थी, अभी मिल गई है तो पुरानी चल रही है। आगे चल करके बाबा की मुख की निकाली हुई कैसेट की वाणी वो भी मिल जाएगी, तो और रिवाइज बढ़िया होगा। सुन दो ना अभी डायरेक्ट मिल ही नहीं रहा है, हाँ? फिर क्यों पूछ रही? पढ़ते हैं, पढ़ते कौन से बाबा पढ़ते हैं, वो कौन से बाबा पढ़ते हैं और कौन है? वो कौन से बाबा पढ़ते हैं और कौन से पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा है? शिव बाबा पढ़ते हैं, सुनो, शिव बाबा को पढ़ने की दरकार है? शिव बाबा को पढ़ने की दरकार है ही नहीं, वो आत्मा अलग अलग बुद्धि में बैठती नहीं है। कि शिव आत्मा जिसको हम शिव नाम दिया है वो देह धारण करती नहीं है, देह में धरी नहीं रहती है, वो देह से परे रहती है, वो है समझाने वाली पढ़ाने वाली, और ब्रह्मा की सोल है पढ़ने वाली, राम वाली आत्मा तो अति तमो प्रधान, वो ना पढ़ने वाली है ना पढ़ाने वाला, तो याद में है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, कुछ करता है क्या? अरे कर्मेंद्रियों से काम किया जाता है, उधर बैठे हैं, है कोई काम है? है बाबा की याद कोई काम होता है? तो काम धाम तो कुछ नहीं, काम कर्मेंद्रियों से किया जाता है, तो कर्मेंद्रियों से कोई काम है ही नहीं, याद को कोई काम थोड़े ही कहेंगे, याद है बस याद करना है। हाँ हाँ, तो जो एक बनता है बाप समान वो सब थोड़े ही बन जाएंगे, है बाबा का, बाबा का बाप शिव बाबा नहीं मिल सकता है? शिव बाबा तो है ही सबका बाप, उसका बाप कोई नहीं। और दोनों माने किसका? ये किसने कहा कि यहाँ की युगल और पति पत्नी दोनों साथ साथ शरीर छोड़ेंगे? छत्तीस को छोड़ेंगे, शरीर को क्या होगा? सागर बहा ले जाएगा, है समुद्र, शरीर छोड़ने से पहले ही उन्हें पता, अभी तो बताया, पहले से ही पता चल जाएगा, जाएंगे और समुद्र के किनारे घूमेंगे, वहीं से ही छोड़ दिया, समुद्र आके बहा ले जाएगा, है जलाने भुनाने की तो जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ विकार ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ जलाने भुनाने की क्या जरूरत है? सन्यासियों के शरीर जलाए जाते हैं या बहाए जाते हैं? है? या तो वो समाधि लेते हैं या तो उनको जल समाधि लेते हैं, तो वो तो पवित्र रहते हैं, दुनिया समझती है कि ये पवित्र हैं, इसलिए इनको जलाने की दरकार नहीं है। जलाना करना तो रावण का होता है, जो बहुत दुख देता है, दुखदाई होता है, उसको जलाया जाता है। बाकी सतयुग में त्रेता में देवताएं किसी को दुख देते हैं क्या? है दुख देने की बात ही नहीं, जल समाधि ले लो। और गाड़ देते हैं मिट्टी में,
क्योंकि मुसलमान जो हैं वो यहाँ संगम युग में देहाभिमानी की मिट्टी छोड़ पाते हैं। जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हों या मुसलमान धर्म की आत्माएं हों जन्म जन्मांतर की पक्की, वो देहाभिमान को छोड़ पाएंगी विनाश होने तक है? जब देहाभिमानी की मिट्टी को छोड़ नहीं पाएंगी, देहाभिमानी की मिट्टी की गड़े हैं तो मिट्टी में ही रहेंगे, देहाभिमान की मिट्टी से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। इसलिए वहाँ भक्ति मार्ग में भी उनकी परंपरा चल पड़ी, मरेंगे तो क्या करेंगे, देहाभिमान की मिट्टी में ही गड़ाएंगे, मिट्टी में गाड़ देते हैं उनको। तो मिट्टी में गाड़ना करना ये विधर्मी आत्माओं के लिए है। जो स्वधर्मी आत्माएं होती हैं वो देहाभिमान को जला देती है, देहाभिमान की मिट्टी में गड़ करके नहीं रहना है उनको, क्या करना है, देहाभिमान को राख कर देंगे, जला देंगे, नाम निशान खत्म कर देंगे, तब देवता बनेंगे। अगर देवान रह जाएगा तो देवता कैसे बनेंगे? इसलिए परंपराएं पड़ी हुई हैं अपनी अपनी अलग अलग है। छोटे बच्चे निर्विकारी होते हैं या विकारी होते हैं? है? है? निर्विकारी होते हैं। और चेहरा मोरा कैसा दिखाई देगा? दिव्यता वाला दिखाई देगा। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपनी अव्यक्त स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो अव्यक्त चेहरा दिखाई देगा। जो व्यक्त चेहरा होता है और अव्यक्त चेहरा होता है, फरिश्ताई चेहरा होता है और फर्श की दुनिया को याद करने वालों का चेहरा होता है, उसमें अंतर नहीं होता है। जब आत्मा बने हैं तो आत्मा ही, आत्मा का बाप ही दिखाई देना चाहिए ना, दूसरा कोई क्यों दिखाई दे? अब दिखाई कहाँ दे, का सर्वव्यापी दिखाई दे? हाँ? बुद्धि से ही दिखाई दे। ये नहीं पता मतलब है किससे दिखाई दे, लेकिन वो दिखाई कहाँ दे, स्थान कौन सा? हाँ? भृगुति के बीच में। कोई भी भृगुति के बीच में दिखाई दे, भैंसा है उसकी भृगुति के बीच में शिव ज्योति बिंदु दिखाई दे तो चलेगा? क्यों? हाँ? आत्मा तो हम जानते हैं हमारी यहाँ पर है, लेकिन हमारी आत्मा यहाँ पर है, लेकिन शिव बाबा कहाँ पर है, शिव की आत्मा कहाँ पर है? तो बाबा ने किया उस सूत्र बीच में देखेंगे ना तो शुरू याद आएगी ना आपको, हाँ तो अब वही तो बात है, ये बात बुद्धि में बैठी हुई हो ना कि वो रथ कौन सा है, हाँ वो साकार रथ कौन सा रथ है, ये बात बुद्धि में हमारी बैठी होगी तो उसकी निशानी है कि हम दूसरों को भी बैठा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में खुद बैठी नहीं होगी तो दूसरों को भी नहीं बैठा सकेगा। जिसको खुद दिखाई देता होगा शिव ज्योति बिंदु, वो दूसरों को भी परिचय दे सकेगा कि ये शिव ज्योति बिंदु है, ये इसका नाम रूप है, ये इसकी आईडी है। आईडी बनाते हैं ना आजकल, क्या आईडी प्रूफ होता है ना, उसमें क्या दिखाते हैं, आईडी प्रूफ में फोटो दिखाते हैं, नाम दिखाते हैं, स्थान दिखाते हैं, एड्रेस दिखाते हैं,
उम्र दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं, सब दिखाते हैं ना। तो ऐसे ही शिव बाबा का पूरा प्रूफ जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वो दूसरों को दिखा सकेगा, खुद ही नहीं बैठा होगा तो पूछता रहेगा। फिर चेहरे में दो आंखें हैं, है ना, और तीसरी आंख कहाँ है? तो बस यही क्रम हो गया। रामकृष्ण दो आंखें हैं शिव बाबा की, और तीसरी आंख शिव बाबा की खुद है, इसलिए त्रिनेत्री कहा जाता है। क्रम का पता ही नहीं चला अभी तक, है? अरे यही तो क्रम है त्रिनेत्री का, है? उनकी पहचान ये है कि दो आंखें जो आसपास दिखाई गई हैं, वो पड़ी हुई है, बीच में जो नेत्र है वो खड़ा हुआ है। माने शिव बाबा सदैव स्मृति स्वरूप है, वो स्मृति में सदैव खड़ा हुआ है, उसकी स्मृति कभी डाउन नहीं होती, और रामकृष्ण की स्मृति डाउन होती है, अप होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे हमारी तुम्हारी होती है उनकी भी होती है। ओम नमः शिवाय हो जाए तो बढ़िया है ना, खराब क्या है? अगर नमन ही करना है तो शिव को ही नमन करना है, और किसी को नमन क्यों करें? और किसी को नमन करने का मतलब यह है कि दूसरों को बुद्धि झुकाना, दूसरों के सामने अगर हमने बुद्धि झुका दी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक की बात को कोई वजूद नहीं देते हैं, एक की बात को कोई महत्व नहीं देते हैं, सब के सामने झुक रहे हैं, माने सब से वो हम हैं, सब भगवान के रूप हैं। तो गलत करते हैं, प्रकृष्ट रूपेण नमन, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, नम माने नमन, तो सबके सामने प्रकट रूपेण नमन, ये क्या हुआ? तो इसको बुरा मानते हैं, देखो ये है ना, आपको है, मैं इनको झुकते नहीं है, झुकते नहीं है, प्रणाम नहीं करते। अरे किसको झुके? तुम उनको समझाओ ना, जब वो करें तब उनको समझाओ कि नमन किसको करें। अरे तो समझा, नहीं मानते नहीं समझते तभी तो समझाना है उनको, समझाओ नमन किसको करें, जो हमको ऊंचा उठाए उसको हम नमन करें, जो सारी दुनिया को नीचे गिराते आए हैं, सारी दुनिया नीचे गिरती चली आई है, उनको नमन करने से फायदा? तो छोटे बच्चों को भी ये नहीं सिखाएगा, मतलब प्रणाम करो सबको, प्रणाम करो जैसे लौकिक में कहते हैं, मेरी अच्छी आदतें सिखाओ। ये अच्छी आदत है, सबके पांव चाटते फिरो। अब ऐसे कहते वो वैसे कहते, इसी में लगे रहेंगे या शिव बाबा कैसे कहते हैं सो भी सुनेंगे? सबसे पहले शिव बाबा को सुनेंगे, बाद में हम दूसरों की भी सुनेंगे। एक भाई क्या, अरे लौकिक में बात को मान करके चलना है, जिस लौकिक को आग लगने वाली है, या उस अलौकिक को मानना है जो अलौकिक दुनिया सामने खड़ी है। हमें मालूम है ये लौकिक दुनिया में आग लगने वाली है, भस्म होने वाली है, तो भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज ज्यादा रखी है, याद?
बाबा जैसे अपने आप को आए तो उसको अगर अपन ओम शांति बोलते हैं तो कह रहे तुम ब्रह्म कुमारियों में से हो क्या? हाँ है ब्रह्म कुमारी में बोलोगे क्या ब्रह्म कुमारियों को? तो तुम जो अच्छा दुनिया को बहुत समझते हैं तो तुम पैंट कोट पहन के खड़ी हो जाओ लड़कियों की तरह, आज के जैसे औरतें होती है ना, आधा घुटन्ना पहन लो और आधा कोट पहन लो खड़े जाओ, देख हम बहुत अच्छे हैं, तो हमको बहुत अच्छा मानते हैं, चश्मा लगा लो तो बहुत अच्छा समझेंगे, हाँ पढ़ा लिखा आदमी है, घर का पर ऊंचे घर की औरत है। परिवार के बता नहीं सकते, हम तो ब्रह्म कुमारी है, हमसे बात भी नहीं करती है, आप कैसे कहते हैं? कि हमने वो 35 साल पहले सुन लिया था, उसे मैं तो पास गए हम वो तो जाओ बाबा यहाँ से जाओ, आज जोड़ के आपको बना दिया, बोले जाओ यहाँ से हमारे साधु संन्यासी को ना भरमाओ ना यहाँ, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बैठ कर सुनने की कोशिश की, जहाँ उसे उसे उनको तैयार होके वो कहीं निकल पड़े। सुनना चाहे एक बार सोचेंगे तभी तो उनकी नवस पकड़ में आएगी, नहीं चाहेंगे तो नवस कहाँ से पकड़ में आएगी? बाबा ने कहा 100 को संदेश देंगे तो एक निकलेगा, 100 में 99 प्रजा हो गई और एक राजा बनेगा, हम ऐसे ही करेंगे, इसमें हर्जा क्या है? अरे 100 को सुनाएंगे तो प्रजा तो हमारी बन गई, हा? तो क्यों नहीं 100 को सुनाए? ये समझ के कोई सुनता ही नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ये अरे नहीं देता तो ना दी, हमारा काम है बाबा का संदेश सबको देते रहना ना, कोई सुनता है नहीं सुनता है, आज नहीं सुनेगा कल सुनेगा। बाबा एक आत्मा है तो उसने ज्ञान तो बहुत लिया है सारा, उसने जैसी में भी कभी भी उसको मुद्दे बनाए एडवांस का भी इसको सारा ज्ञान दिया, किताबें भी पढ़ी है, उसको समझ भी आ गई, लेकिन अब वो क्या काम कर रही है कि जो भी आता है उसको रोक देती है, जैसे 16-17 दिन आने लगे थे उन लोगों को रोक दिया, तो बाबा ने तो बोल दिया कोई भगाने वाले कोई थमाने वाले, कोई भगा देगा ज्ञान में से कोई थमा देगा, तो आप थमाने का काम करो वो भगाने का काम करे, बिच्छू का काम है डंक मारना उसका वही धर्म है। हाँ जी हाँ जी, इसका जो धर्म है उसको अपना धर्म को फॉलो करने दो, मान सुन रहा हूँ तो कई बार क्लास हो चुका है, हाँ आप लोग जहाँ आपस में तय करेंगे वहाँ हो जाएगा, तो आप लोग हम थोड़े ही करते हैं तय कि कहाँ क्लास करना है, ये तो आप लोगों को आपस में संगठन करते हैं, संगठन में जाते हैं वहाँ क्लास, तो वहाँ तय कर लो कि अगली बार बाबा आएंगे तो किसके यहाँ क्लास होगा, बाबा से तो बाबा को तो बैठ कर क्लास कराने से मतलब, जहाँ सबकी सहमति, अभी प्रजातंत्र राज्य है कि राजा का राज्य है? प्रजातंत्र राज्य, आपस में तय करो है,
हाँ बाबा तो सरेंडर होके आते हैं, जहाँ बिठाए जो खिलाए जो पिलाओ जो जहाँ ले जाए है, है? बाबा माता जी नहीं निकली है ऐसे कह रही है, मेरे भी आएंगे क्या बाबा? हाँ गीता पाठशाला खोलेगी तो क्यों नहीं आएंगे? अगर सिंगल माता है तो घर में गीता पाठशाला नहीं होती क्या? पूछो बाबा ये आप ही आपसे बात करना चाहती जैसे बताएंगे वैसे ही करूंगी, पूरे घर को ज्ञान में चलाओ है? है? पूरा परिवार ज्ञान में चले, घर में गीता पाठशाला खोले, बाबा क्यों नहीं आएंगे? बाबा आते ही है गीता पाठशाला में, और कहाँ जाएंगे? है आज जो गीता पाठशालाएं हैं कल वो मिनी मधुबन बन जाएंगे। बाहर वालों को सुनाकर बाहर वाले तो आ जाते हैं, और जो घर वाले परिवार वाले हैं वो कैसे पाते हैं घर पर खिलाने? इसीलिए के आपने सुन रखा है बाबा के मुंह से कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो आप तो निश्चिंत हो गए, इसलिए वो इधर उधर भागते रहते हैं, आप तो चिंता नहीं करते, भागने दो इधर उधर। हाँ बाबा ने तो कह ही दिया आज नहीं तो कल, वो तो चलेंगे ही, जाएंगे कहाँ है? बाबा मेरा था, मैं और मेरी सिस्टर और मम्मी सभी वहाँ पे भर्ती कर चुके, और उसके बाद मम्मी और सिस्टर हमारे बिहार चले गए। अब बहुत हाँ बिहार अब हो गए 6-7 महीने हो गए, कोने आ रहे हैं अभी। अब आपका परिचय भी उससे मतलब नहीं मिलते, मैंने कितनी बार बताया भी आ जाओ जयपुर, तो क्या कह रहे हैं घर बन रहे अभी, खेती हो रहे हैं, तो वो आ नहीं पाते, आने आपसे मिल पाते तो उसका क्या करें? आप बुलाना चाहते हैं? हाँ हमको कोई आते नहीं है, है? हमें ले गए थे, आप पूछे भी थे, हम आपसे एक बार इमली फाटक आए थे, आपने मना किए थे हमको। क्या मना किया? आपने ये कहे थे कि आप जाओ गांव, आप मिल के आ जाओ, जब कोई बीमार है आप जाओ, आप मिल के आ जाओ, इन लोगों को यही छोड़ दिए ज्ञान। जब फिर भी आपके बाद में काट के मैं मम्मी को और बहन सब को ले गए गाँव, फिर वो क्या है वहीं रुक गए, और वहाँ रुकने के बाद दोबारा आए नहीं, तो आप लेने गए दोबारा? अच्छा आप लेने गए फिर भी आए नहीं? उन लोग आने के बाद भट्टी कन्या है, एक इनकी माता है, भट्टी कर ली उन्होंने 5 दिन, बहुत लगन थी कन्याओं की इनकी मम्मी की, लेकिन ये गांव के लोग थे बंदर माता के, उनको वहाँ बिहार गांव छोड़े आए, वही एडमिशन दिला दिया, अब वो बहुत तकलीफ रही है बच्चियाँ इनकी मम्मी की, तो गलती उनकी थोड़ी ही है, गलती तो आपकी है, आप अपनी रचना को अपने आप नहीं संभालना चाहते, आप अपनी रचना को अपने आप नहीं संभालना चाहते, उनके ऊपर छोड़ दिया है, तो गलती किसकी है? पिछले साल जो पिछले साल बाढ़ आए थे हमारे गांव में उधर, तो बाढ़ से पूरे हमारे घर पूरे मतलब बह गए थे पानी, हाँ तो मम्मी सबको हम इधर ले आए, अब पापा गांव में रुक रहे हैं, मम्मी को बहन को मैं इधर ले आए बिहार से यहाँ जयपुर ले आए, पापा वहाँ रुक रहे, तो फिर मैं यहाँ से पापा बुलाए हम सबको, तो भाई आ जाओ एक साल के बाद आ जाओ वहाँ पे घर बन गए, हम गए वहाँ पे घर पे गए, फिर पापा आने नहीं दिया दोबारा, बोला भी नहीं मैं ले जाऊँगा अभी, जब भी बस यही रहेंगे सब, बस पापा ने आने दिया यही, बस ज्ञान में नहीं है पापा, ज्ञान में नहीं है ज्ञान की ज्ञान, अब पापा को मैंने ज्ञान भी बहुत सुनाए अपने, और मुझे भी सुनाए थे किताबें भी पढ़ी पापा को, तो चिंता क्यों करते हो? चली बात है, जब बाबा ने बोल दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, बाकी तुम अपनी रचना की चिंता करो, उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अपने कंट्रोल में रखते हैं, नहीं चलने देंगे तो ये क्या करेंगे?
मैं चाहता हूँ एक बार और गाँव जाऊँ और पापा को भी मम्मी को भी सबको यहीं ले आए, फिर यहाँ से एक बार भर्ती करा दे पापा को मम्मी को दोबारा से सबको जबरदस्ती नहीं बस बहुत। एक बार तो उन्होंने बोले थे ठीक है आऊँगा जयपुर, जयपुर आ गए थे एक बार यहाँ पे क्लास क्लास में बैठेंगे सब सभी से मिलेंगे सेकेंड क्लास में ऐसे रोज से क्लास सुनेंगे तो उनका भी थोड़ा सा अपने बदलाव आ जाएंगे, तो एक बार भर्ती करा देंगे उसके बाद फिर कहेंगे बिहार रहो कहीं रहो वहीं पर क्लास क्लास चालू ये बस। लेकिन सारी दुनिया में तेजी से फैली है पहले बीके वाले मानेंगे धीरे धीरे प्रत्यक्षता होगी। बच्चा जन्म लेता है तो पहले कानून में प्रत्यक्ष हो जाता है कि पहले घर में जो मुख्य मुख्य होते हैं उनको पता चलता है बाप को पता चलता है घर वालों को पता चलता है फिर मोहल्ले वालों को पता चलता है फिर और दुनिया में पता चलता है जब बाजे गाजे बजाए जाते हैं तब सबको पता चलता है। तो ऐसे यहाँ भी जब बाजे गाजे जोर से बजेंगे तो सबके कान खोलेंगे हैं हैं। तो इधर ही बोला ना बेसिक वाले बाहर के दुनिया वाले गुरुओं से मिल जाएंगे सब एक हो जाएंगे अच्छी बात है। एडवांस वाले अलग हो जाएंगे पता कैसे चलेगा कि ये पावरफुल कौन है हैं तभी पता चले। इस्लामी इस्लामी में मिल जाए ब्राह्मणों में इस्लामी भी तो हैं ब्राह्मणों में बौद्ध भी तो हैं सब धर्म के आत्मा हैं ब्राह्मणों में हैं नौकुरी के ब्राह्मण हैं तो नौ ही धर्म है दुनिया में तो नौकुरी के जो ब्राह्मण हैं वो नौ धर्म वालों से मिल जाएं इकट्ठे हो जाएं जाके तब फिर जो भक्ति मार्ग में वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो ज्योतिषी वगैरह हैं वो मानते हैं कि जब प्रलय होगी तो नौ ग्रह आपस में टकराएंगे तो ये नौ धर्म आपस में टकराएंगे जो पावरफुल होगा तो रह जाएगा। अभी तो कोई किसी को पावरफुल नहीं मानता सब कहते हम पावरफुल हैं है? सब पावरफुल मानते हैं चोर चकार हैं चोर डकैत हैं वो भी अपने को पावरफुल मानते हैं गुंडे हैं वो अपने को पावरफुल मानते हैं लादेन अपने को पावरफुल मानता है तो टक्कर हो तभी तो पता चले है कौन झुकना शुरू हो जाएंगे सारी दुनिया बीके वाले पहले बीके वाले झुक जाए ना झुकना शुरू हो जाएंगे बाप प्रत्यक्ष होने लगेगा तो किसके सामने प्रत्यक्ष होगा पहले पहले अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष पहले बच्चे कौन है आठ हैं तो आठ के सामने पहले प्रत्यक्ष होगा ना कुआ जो है कुएं का पानी ज्यादा शुद्ध होता है या पोखरों का तालाबों का नदियों का नहरों का नालों का पानी ज्यादा शुद्ध होता है कुएं का पानी ज्यादा शुद्ध होता है क्यों कोई कारण होगा कुएं का पानी खोद के निकाला जाता है तो ये नाले जी भी खोद ही जाती है क्या खुदाई होती है इसकी इसे जितना जितना गहरे खोदेंगे उतना उतना शुद्ध जल बाहर आएगा। चलो सब संतुष्ट हैं है?
जिसका संग का रंग लेंगे वैसे ही बन जावेंगे। शिव बाबा को बुद्धि से ज्यादा संग का रंग लेंगे तो शिव बाबा जैसे बन जावेंगे। बाप आए ही हैं आप समान बनाने के लिए। बाप है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो बच्चे भी क्या बन जावेंगे, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बन जावेंगे। अच्छा, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो बताते हैं कालहस्ती मंदिर को बंद नहीं किया जाता है, चाहे रात्रि में चंद्र ग्रहण लगता हो और चाहे दिन में सूर्य ग्रहण लगता हो। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो मंदिर को बंद नहीं किया जाता है, मंदिर को खुला रखते हैं। ये सूर्य कौन है और चंद्र कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? सूर्य है राम वाली आत्मा और चंद्र है कृष्ण वाली आत्मा, और दोनों ही आत्माएं शंकर का जो स्वरूप है उसमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है। उसमें सूर्य भी पार्ट बजाता है राम, और कृष्ण वाली आत्मा भी पार्ट बजाती है कृष्ण। लोग समझते हैं कि दोनों को विकारों का ग्रहण लगता है, राम वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है, कृष्ण वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है। तो जो विकारों का ग्रहण लगता है उसका तो राज समझा दिया कि जब सूर्य ग्रहण कहा जाता है तो एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और दूसरी तरफ पृथ्वी, तो सूर्य का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। तो पृथ्वी वाले जो चंद्रमा के परछाया में आ जाते हैं वो अंधेरे में आ जाते हैं, माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की बातों से उनके जीवन से जो प्रभावित हो जाते हैं जो पृथ्वीवासी मनुष्य ब्राह्मणों की दुनिया में, वो चंद्र ग्रहण के अंदर आ गए। समझते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। ऐसे ही वो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया चंद्रमा की नहीं, ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण लगता है, नहीं ये तो सूर्य ग्रहण की बात हुई, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा एक तरफ, बीच में पृथ्वी और एक तरफ सूर्य, तो सूर्य का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है, तो पृथ्वी वालों को चंद्रमा अंधेरा दिखाई पड़ता है। समझा? तो चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा दिखाई पड़ता है तब पृथ्वी वाले कहते हैं चंद्रमा किसमें आ गया, अंधेरे में आ गया, ग्रहण लग गया, अज्ञान अंधेरे में आ गया, माने विकारों का ग्रहण लग गया।
ऐसे पृथ्वी वाले समझते हैं कि किसको ग्रहण लग गया, राम सूर्य को ग्रहण लग गया और कृष्ण चंद्रमा को ग्रहण लग गया। वास्तव में राम और कृष्ण को ग्रहण लगने की बात है ही नहीं। इस बात को समझाने के लिए, सारी दुनिया वालों को समझाने के लिए ये मंदिर खुले हुए हैं। क्या ग्रहण, वो समझते हैं ग्रहण लग रहा है। समझने वाले क्या समझते हैं कि राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग सकता है? राम कृष्ण में तो जो सदैव निर्विकारी परमात्मा परमपिता शिव है वो प्रवेश करता है। तो जिसमें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी परमात्मा शिव प्रवेश करता है वो विकारी हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए ये मंदिर खोले गए हैं। ये महाकाल के मंदिर हैं। ये महाकाल जब महाकाल का रूप धारण करेगा उस समय दुनिया में विनाश हो रहा होगा कि नहीं है? जब अब महाकाल का रूप धारण करेगा, चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा होगा दुनिया में, उस समय इस मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे, आकर के देखो, समझो कि राम कृष्ण वाली आत्माओं को विकारों का ग्रहण लगता है या दुनिया वालों को लगता है? दुनिया वालों को लग सकता है। राम कृष्ण की आत्माएं संगम युग में विकारों के ग्रहण से वशीभूत नहीं होती है। और शंकर एक है कि दो है? शंकर एक है और उसमें दो बैल काम कर रहे हैं कि एक बैल काम कर रहा है? है? एक बैल काम कर रहा है। राम और कृष्ण की आत्माएं बैल का काम करती हैं या नहीं करती है? है? ऐसे दिखाया जाता है कि दो बैल हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी स्वतंत्रता संग्राम के बाद, तो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, उसका चिन्ह बनाया गया था दो बैलों की जोड़ी। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो बैलों की जोड़ी काम कर रही है। ये दोनों बैल का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो पार्ट बजाए रही हैं, एक शरीर के द्वारा बजाए रही है। तो शरीर एक है तो बैल भी एक है, लेकिन उसमें दो आत्माएं प्रवेश हैं, ये दिखाने के लिए दो सिर दिखा दिए गए। शिव को तो बैल नहीं कहेंगे, कहेंगे शिव को तो बैल नहीं कहेंगे। तीन आत्माएं हैं ना, दो पड़ी आंखें और एक खड़ी आंख। खड़ी आंख है सदा शिव, सदैव निराकारी स्टेज में खड़ा है, और दो पड़ी आंखें हैं वो है रामकृष्ण पुरुषार्थी। कभी खड़ी भी हो जाती है, कभी पड़ जाती है। और बाबा सौ 200 माताएं आएंगी,
तुम परंपरा शुरू कर दो लिख के देने की, तो लिख के दे पाओगी? है अभी तो दो चार माताएं आती हैं, वो कहती हैं हमें लिख करके दो, फिर जब ढेर की ढेर आवेंगी आगे चल के तो लिख के दे पाएंगे? इसलिए बताओ कि माँ बाप के बच्चे बने तो जो माँ की भाषा बाप की भाषा वो ही भाषा बच्चों की होनी चाहिए। अगर उनको बढ़ावा देते रहेंगे कि तेलुगु में ही लिखो और पढ़ो तो तेलुगु में ही लिखेंगे पढ़ेंगे या माँ बाप की भाषा सीखेंगे? माँ बाप की भाषा सीखेंगे तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेंगे। बच्चे की भाषा मदर टंग होती है या दूसरों की भाषा सीखता है? है मदर टंग होती है। मुनि कहते हैं जो मन का उपयोग करते हैं, मन को यूज करते हैं, मन चलाते हैं, मन को ईश्वरीय कार्य में चलाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में चलाते हैं, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में चलाते हैं, उनको कहा जाता है मुनि, मन को चलाने वाले। और उन मुनियों को जो चलाने वाला है उसको कहा जाता है मुनियों का ईश्वर, मुनीश्वर। जो ऋषि मुनि है उन मुनियों को भी, ऋषि मुनियों को भी तो चलाने वाला कोई होगा ना। तो शास्त्रों में टीवी में दिखाया जाता है कि शंकर जी को ऋषि मुनि देवताएं नहीं चलाते हैं, लेकिन शंकर जी ऋषि मुनि देवताओं को सावक को चलाते हैं। तो मुनीश्वर कौन हुआ है? जो ऋषियों मुनियों का ईश्वर है, शासन करता है, ऋषियों मुनियों के ऊपर भी शासन करने वाला। है क्या बोल रहे? कहा कहा तो हो। हाँ है, तीन बलि देते हैं एक ही दिन में। हाँ, जब संपन्न स्टेज आती है ना, पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो संगम युग में जो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी है वो घड़ी भी आएगी कभी या नहीं आएगी? आएगी। जिस समय वो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी आएगी, इस 100 वर्ष के संगम युग के बीच में, उस समय ये तीनों आत्मे ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों साथ साथ अर्पण हो जाएंगे 100%। उसकी यादगार है। लंबा लंबा लिख करके भेजे, किसी ने लिख करके भेजा है, बाबा ने बोला है कि मैं वानप्रस्थ चेतन में प्रवेश करता हूँ,
तो यज्ञ के आदि में जब गीता माता में शिव ने प्रवेश किया तो क्या उनकी उम्र 7 साल थी? जब प्रवेश किया होगा तो गीता माता की उम्र 7 साल होगी या नहीं होगी? है? अरे हाँ या ना, ये तो कह रहे प्रश्न है, क्या उनकी उम्र 7 साल थी? ये प्रश्न पैदा करना ये बाबा की वाणी को काटना है या नहीं काटना है? बाबा तो कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं, वानप्रस्थ अवस्था 7 साल में होती है, और यज्ञ के आदमी ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर बैठते थे, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे, उनमें उसमें नहीं, उनमें मम्मा बाबा में नहीं, जो मम्मा बाबा को पढ़ाने वाले थे उन बच्चों में प्रवेश करते थे। फिर उनके लिए बोला 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, तो कितने हुए? 1 10 साल से रहने वाला था कोई पुरुष, और 1 ध्यान में जाती थी पुरुष हुआ स्त्री, स्त्री उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो शिव बाबा जिनमें प्रवेश करते थे वो वानप्रस्थ अवस्था वाले थे या कम अवस्था वाले थे? हैं? वानप्रस्थ अवस्था वाले ही होंगे। तो बाबा की वाणी में प्रश्न पैदा करना, मुरली में बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को तो रावण संप्रदाय समझो, ऐसी शंकाएं जो पैदा होती रहती हैं, ये रावण के सिर हैं। इन रावण के सिरों को माँ काली रक्त बीज के रूप में खप्पर में स्वाहा करती है, और राम वाली आत्मा क्या करती है? रावण के सिरों को काटती है। तो एक बात हुई, प्रश्न आया क्या उस माता की उम्र 7 साल थी? अगर 7 साल थी तो भागीदार से ज्यादा हुई, तो पत्नी की उम्र पति से ज्यादा कैसे हो सकती है? अच्छा 7 साल से उम्र अगर ज्यादा हो तो वानप्रस्थी नहीं कहा जाएगा? है? कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। मान लो भागीदार की उम्र 65 साल थी, क्या भागीदार की उम्र 65 साल थी या 61 साल थी? कभी कभी ऐसे भी होता है कि पति पत्नी बराबर होते हैं, एक ही साल में दोनों का जन्म होता है, होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है पत्नी बड़ी होती है और पति उम्र में छोटा होता है। तो ये सब प्रश्न करना बेकार है। अगला प्रश्न है, द्वापर युग की एवरेज आयु कितनी है? सतयुग की एवरेज एज होती है 150 वर्ष, त्रेता की एवरेज होती है 125 वर्ष, और द्वापर की एवरेज एज होती है 7 साल।
और कलयुग की एवरेज एज 30 साल, और चल।